हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल इंडियन किचन विद सुमित। आज हम बना रहे हैं मैंगो फिरनी। ये खाने में बहुत ही स्वादिष्ट होती है और बहुत ही आसानी से बन जाती है। अच्छी फिरनी बनाने के लिए हमेशा एक रेशियो याद रखना, 50-100-1। 50 ग्राम चावल, 100 ग्राम चीनी और 1 लीटर दूध। फिरनी को ठंडा सर्व करते हैं। आइए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मैंगो फिरनी बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे 1 लीटर दूध। हमने यहाँ पे फुल फैट मिल्क का इस्तेमाल किया है। 4 बड़े चम्मच चावल, हमने यहाँ पर बासमती राइस का इस्तेमाल किया है जिनको हमने 1 घंटे पहले पानी में सोख किया था। 1 कप मैंगो पल्क, 1 बड़े चम्मच बादाम का पाउडर, ये ऑप्शनल है, आप चाहो तो 1 बड़े चम्मच काजू के पेस्ट का इस्तेमाल कर सकते हो। 1/4 कप चीनी, चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम या ज़्यादा कर सकते हो। 3 हरी इलायची जिनको मोटा मोटा कूट लेंगे। अब हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें ऐड करेंगे चावल, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 3 बड़े चम्मच दूध और इन सबको पीस के एक पेस्ट बना लेंगे। देखिए पेस्ट बनकर तैयार है। अब हम एक ग्राइंडर जार लेंगे और उसमें ऐड करेंगे मैंगो पल्प और इन सबको पीस के एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। देखिए हमारा मैंगो पेस्ट भी बनकर तैयार है। अब हम एक कढ़ाई लेंगे और उसमें ऐड करेंगे दूध। दूध को अच्छे से गर्म होने देंगे हाई फ्लेम पे 1 बॉईल आने तक। दूध में 1 बॉईल आ चुका है। अब हम गैस की फ्लेम मीडियम कर देंगे और इसमें ऐड कर देंगे चावल का पेस्ट। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और चावलों को चलाते हुए पका लेंगे मीडियम फ्लेम पर। देखिए हमारे चावल ट्रांसपेरेंट हो चुके हैं, मतलब अभी हमारे चावल अच्छे से नहीं पके हैं, अभी हमें इन्हें और पकाना है। हमें फिरने को अच्छे से फेरते हुए बनाना है। देखिए हमारे चावल पक चुके हैं और दूध भी काफ़ी गाढ़ा हो चुका है। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैंगो पेस्ट, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 बड़ी चम्मच बादाम का पाउडर, हरी इलायची और शक्कर। शक्कर आप अपने टेस्ट के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अब इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और चलाते हुए पका लेंगे 1 बॉईल आने तक। देखिए फिरनी का कलर बहुत ही अच्छा आया है और फिरनी दिखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है। हमें फिरनी को मीडियम फ्लेम पर पकाना है। देखिए हमारी फिरनी अच्छी तरह पक चुकी है और इसकी कंसिस्टेंसी भी एकदम परफेक्ट है। हमें फिरनी को ज़्यादा गाढ़ा नहीं करना है क्योंकि जब हम इसे ठंडा करेंगे तो ये और गाढ़ी हो जाएगी। अब हम इसे सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। फिरनी हमेशा मिट्टी के बर्तन में सर्व होती है। देखिए हमारी फिरनी का कलर बहुत ही अच्छा आया है। फिरनी दिखने में बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है और खाने में भी बहुत स्वादिष्ट बनी है। फिरनी को हम ठंडा सर्व करते हैं। अब हम फिरनी को फ्रिज में रख के ठंडा कर लेंगे और इसे सेट कर लेंगे। देखिए हमारी फिरनी अच्छे से सेट हो चुकी है। अब हम इसे गार्निश कर लेंगे मैंगो से और पुदीने से। देखिए मैंगो फिरनी सर्व करने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक